Assalamualaikum, मोहम्मद शुएब from 5G Group of Companies. ये जितना प्यारा मंजर है, जितना प्यारा मौसम है, उतनी ही प्यारी खबर है मेरे पास, बड़ी खबर है मेरे पास. कह लेते हैं इसको ब्रेकिंग न्यूज. कैपिटल स्मार्ट सिटी से जुड़े रियल्टर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, पार्टनर्स के लिए, जो वहाँ घर बनाना चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं वहाँ जाकर बसना चाहते हैं, उन सब के लिए जो ये सवाल करते थे, आए रोज करते थे, जिसका मुजीब साहब ने कम्युनिटी मीटअप में कहा भी था कि बड़ी बड़ी खुशखबरी आएंगी. मैं बात कर रहा हूँ इंटरचेंज से मुतालिक. तो एक शहरी ने पीएम सिटीजन पोर्टल पर एक क्वेरी लॉन्च की, एक शिकायत दर्ज कराई इसी इंटरचेंज को लेकर, जिसका स्टेटस मालूम करना चाहता था वो. 4 जनवरी एक शहरी ने ये शिकायत दर्ज कराई. उसकी क्वेरी पर 15 जनवरी 2022 को मेंबर मोटरवे एनएचए साउथ ने ये मामला मेंबर प्लानिंग एनएचए हेडक्वार्टर इस्लामाबाद रेफर किया, और उनके जो कमेंट्स थे वो कमेंट इतने ज़बरदस्त हैं, जो पढ़ के सुनाऊंगा, स्क्रीन पर भी आपको दिखाएंगे कि एनएचए हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ स्मार्ट सिटी एंड एनओसी इज ग्रांटेड. इंटरचेंज विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय एफडब्ल्यूओ एज मोटरवे M2 इज अंडर कंसेशन एग्रीमेंट विद एफडब्ल्यूओ. क्या बात है जनाब, कि एनएचए ने अप्रूव कर दिया इस प्रपोजल को और एनओसी जो है वो जारी कर दी गई है. इंटरचेंज जो कंस्ट्रक्शन उसकी होनी है वो एफडब्ल्यूओ ने करनी, जो कि ज़रा एफडब्ल्यूओ कंस्ट्रक्शन करता है. तो अब जो एनएचए का पार्ट है वो हो चुका है. अब जो मामला होगा वो कैपिटल स्मार्ट सिटी और एफडब्ल्यूओ के दरमियान होगा. तो इससे हमें ये मालूम हो गया कि इंटरचेंज पर जो काम है वो किस तेज़ी के साथ हो रहा है. यानी डॉक्यूमेंटेशन की हम बात कर रहे हैं, बनना कहाँ पर है. पहले भी वीडियो में बताया था, आज फिर बता रहे हैं आपको कि मोटरवे लोकेशन नंबर 332 एंड 333 जहाँ पर बनेगा ये इंटरचेंज. तो वो तमाम लोग जो ये जानना चाह रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे इस इंटरचेंज से मुतालिक, तो एक ऑफिशियल वेबसाइट कह लें इसको, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कह लें इसको, जो कि आ चुकी है कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंटरचेंज से मुतालिक, कि कहाँ बनेगा वो तो हम बता चुके, लेकिन उसमें कोई रुकावट अब नहीं है. वो रुकावटें दूर होती जा रही हैं. और क्या स्टेटस है एग्जैक्टली, वो इस एक जवाब से हमारे सामने आ चुका है.